औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन इसका है स्ट्रेंथ ट्रायल। इसका रीडिंग का सिलसिला जो हमने पार्ट वाइज शुरू किया है ये कंप्लीट हुआ है। आज इसका हम कर रहे हैं यानी वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आप इसका यानी अपनी बुक इस वक्त निकालेंगे, इसका पेज नंबर 120। तो क्वेश्चन इसका 1 है, व्हाट डिड एलिस रिमेम्बर, यानी एलिस क्या याद किया उसको, उसने एलिस ने। एलिस रिमेम्बर ड्रिंकिंग ए स्ट्रेंज लिक्विड। एलिस को याद आया उसका पीना एक अजनबी सा एक लिक्विड यानी सियाल जैसी कुछ चीज, विच मेड हर ग्रो स्मॉलर, जिसने उसको क्या बना दिया, छोटा बना दिया। देन शी एट ए केक, तब उसने क्या खाया, एक केक, एंड बिगेन टू ग्रो लार्जर अगेन एंड अगेन। और फिर उसने क्या किया यानी केक खाने के बाद उसने शुरू कर दिया बड़ा होना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई अकॉर्डिंग टू द ग्रेफन वेयर द जरीमेन पुटिंग डाउन देयर नेम्स। तो यानी क्यों ग्रेफन के मुताबिक जज जो थे वो क्या कर रहे थे, उनके नाम जो थे वो उन्होंने लिख रहे थे। तो आंसर इसका है अकॉर्डिंग टू ग्रेफन यानी ग्रेफन के मुताबिक दी जरीमेन वेयर पुटिंग डाउन देयर नेम्स। जरीमेन यानी जज जो थे वो लिख रहे थे उनके नाम्स, बिकॉज इसलिए दे फियर्ड, उनको डर था, क्या डर था, दैट के दे माइट फॉरगेट देयर नेम्स, वो उनके नाम भूल जाएंगे। बिफोर एंड एंड ऑफ द ट्रायल, पहले और यानी ट्रायल के ये जो मुकदमा चल रहा था उसके खात्मे पर। तो क्वेश्चन नंबर इसका है थर्ड, द फर्स्ट विटनेस वाज, पहला विटनेस कौन था, एलिस था, वाइट रैबिट था, किंग था, मैड हैटर था। तो पहले आपने पढ़ा है कि पहला विटनेस जो था वो मैड हैटर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव योर एविडेंस और आई विल हैव यू एक्सक्यूटेड वेदर यू आर नर्वस आर नॉट। तो इसका आंसर है यानी अपना इसका क्वेश्चन जो है, गिव योर एविडेंस, अपना सबूत दे दो, आर या आई विल हैव यू एक्सक्यूटेड वेदर यू आर नर्वस आर नॉट। तो इसका आंसर है द किंग ऑफ हार्ट्स सेज, ये किंग कहता है हार्ट का, देयर वर्ड्स टू मैड हैटर, दीज वर्ड्स जो ये किसके थे, ये मैड हैटर के थे। तो इसी तरह इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट यानी पहले पार्ट का ये जवाब है, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, इसका आंसर मैंने आपको बताया, द किंग ऑफ हार्ट्स सेज दीज वर्ड्स टू द मैड हैटर, यानी बादशाह किसका, हर्ष का कहता है ये अल्फाज किसको, मैड हैटर को। बी पार्ट इसका है, व्हाट डू यू मीन बाय आई विल हैव यू एक्सक्यूटेड, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द किंग विल गिव ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स टू किल हैटर, के बादशाह, इसका मतलब है कि बादशाह देगा हुक्म किसको, अपने सिपाहियों को, किसको मारने का, हैटर को। व्हाट अकॉर्डिंग टू द एलिस इज द फर्स्ट वाइज थिंग दैट द किंग हैड सेड दैट डे, क्या चीज कही, इसका है द हैटर प्लीडेड प्लीड्स इन द कोर्ट्स दैट ही इज ए पोअर मैन, यानी वो एक गरीब आदमी है। इन रिप्लाई जवाब में द किंग सेज, बादशाह कहता है दैट कि ही इज ए पोर स्पीकर, वो क्या है, एक गरीब बोलने वाला, अकॉर्डिंग टू एलिस, एलिस के मुताबिक। दिस इज द फर्स्ट वाइज थिंग द किंग हैज सेड दैट। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है,
Neo denies having imitated somebody's handwriting. What evidence does he give? तो इसका आंसर है यानी उसने क्या किया है एज यानी हिज एविडेंस उसका सबूत जो था है क्या है न्यो सेज दैट देर इज नो नेम साइनड एट द एंड ऑफ द पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपेंस। तो इसके आगे हम दूसरी क्लास में शुरू करेंगे, इस वीडियो में इतना ही काफी।